जनपद रुद्रप्रयाग में श्री गणेश रामलीला समिति द्वारा 13 दिवसीय भव्य रामलीला मंचन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आयोजित रामलीला मंचन के 12वें दिन भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम द्वारा अधर्म के मार्ग पर चल रहे अहंकारी रावण का वध किया गया है। इस दौरान वहां मौजूद दर्शकों की भीड़ ने देर सायं तक रामलीला मंचन का आनंद लेते हुए सभी कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। महिलाओं को तो पात्र मिलने चाहिए वैसे, मतलब मैं छोटे से सोचती थी कि रामलीला में जाऊंगी, पर आज मतलब हो रहा है काम पूरा, तो मैं भी इसे सही मानती हूँ। रामलीला में मतलब महिलाओं को होना चाहिए, तो महिलाओं को तो मौका मिलना ही चाहिए। वैसे मतलब लड़के ही खेलते रहते थे रामलीला का पार्ट, तो लड़कियों को भी खेलना चाहिए। देखिए, ये रामलीला जो गुलाबराय में श्री गणेश रामलीला समिति के नाम से गुलाबराय में एक रामलीला का शुभारंभ है, वर्ष 2018 से हुआ है, जो कि हर वर्ष मंचन हो रहा है। प्रथम दो वर्ष, शुरुआती दो वर्ष यह रात में मंचित की गई, परंतु रुद्रप्रयाग की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमने एक कदम थोड़ा आज की जनरेशन के हिसाब से भी सोचा और इसको दिन में मंचित करने का फैसला लिया। और मैं इसे बहुत सही मानती हूँ, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं कि लड़कियों को, लड़कियाँ ये कर रही हैं, लड़कियाँ वो कर रही हैं, अगर कुछ भी करेंगे तो लड़कियों का नाम ही रखा जाता है। पर मैं इसे बहुत मतलब सही मानूंगी, क्योंकि इन्होंने हमें एक मौका दिया है मंच में आने का, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। सबसे पहले तो मैं पूरे आयोजन समिति, गणेश रामलीला समिति की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप यहाँ पर पधारे हैं। और निश्चित रूप से विगत 5 साल पूर्व हमने 2018 से इस रामलीला को यहाँ पर प्रारंभ किया था। बहुत ही नया ये पौधा है अभी, और 5वें वर्ष में है। इस बार 5वें साल की लीला हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। सभी लोगों का यहाँ पर भरपूर सहयोग मिल रहा है।